फैजाबाद है और आज सुबह मैं हम सबको लेके जा रहा हूँ हिब्रू बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12। जैसे हम यहाँ दिखता है आप चार आयत से ग्यारह आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ में आपको डिसिप्लिन के बारे में मिलेगा, डिसिप्लिन अनुशासन के बारे को हमको मिलेगा। यहाँ प्रभु अपना बेटा बेटियों को अनुशासन देता है, जैसे पिता माँ अपना बच्चों को अनुशासन देता है। लेकिन हम आज सुबह दिखता है अंतिम आयत वाला ग्यारह आयत, प्लीज पढ़ देना मिल गया तो ग्यारह आयत हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, वो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। यह हमको मिला है जो अनुशासन है, ये इतना खुशी सुखा नहीं होता है लेकिन ये एक पेनफुल दर्दनक का एक डिसिप्लिन होता है। यह इंग्लिश में लिखा है नो डिसिप्लिन सीम प्लीजन एट द टाइम बट पेनफुल लेटर ऑन हाउएवर इट प्रोड्यूसेस ए हार्वेस्ट ऑफ रिचुअसनेस एंड पीस फॉर दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय इट्स। जो हम डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन खुद का अनुशासन के बारे में हम देखते हैं तो हम बहुत अलग तरीके से हम दे सकते हैं। अनुशासन एक हम कैसे हमारा कमाई अच्छी के बारे में हम कैसे संभालना है। जैसे दो तीन दिन पहले हमारा साई पास्टर हम लोग किया था हमारे एक विशेषी के बाद में विशेषी भाई के परिवार में, तो वो तो काफ़ी कमा रहा है लेकिन इसको अभी तक तो कुछ नहीं बना रहा है। तो मैंने इसे बताया कैसे आपको आर्थिक रूप को आपको संभालना है, आप इसको सीखना है। जब तक तो आप ये इसको नहीं सीखेगा तो कभी भी आप आर्थिक में मजबूत नहीं होगा ना जिंदगी में कुछ भी नहीं बनाए। जैसे हम परिवार का सेल्फ डिसिप्लिन अपना परिवार को अनुशासन रखना ये भी एक तरीका से हम दे भी सकते हैं। लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूँ हम कैसे अपना जीवन अपना शरीर इसको ख्याल रखना है उसी के बारे में दो तीन पॉइंट में बताना चाहता हूँ। और मैं ये खुद अपना जीवन से कुछ एक दो पॉइंट में उदाहरण भी दे रहा हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ मोहाली में 21 साल चल रहा हूँ तो हमारा काफ़ी विशेष रूप होता है पास्टर जी पहले 15 साल 18 साल से जो आपको देखता है आपको चेहरा अभी ऐसे होता है। धन्यवाद प्रभु को बहुत धन्यवाद। और मैं देखते हैं तो अभी 25-26 साल जो मेरा लॉन्ग पेन मेरा वॉइस है 32-33 ऐसे में मेरा वॉइस अभी तक तो उसमें चल रहा है 25-26 साल से। ये ऐसे कुछ ऑटोमेटिक से नहीं होता है, आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ता है, अपना शरीर को संभालना पड़ता है तो आपको बॉडी शेप सही रखेगा। आके पहले 2 साल पहले थोड़ा ज़्यादा बीमार हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, इसके बाद में वो दूसरा को प्रॉब्लम भी आ गया। लेकिन अभी तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना शरीर को अपने हेल्थ को मैं मेंटेनेंस रखूँ। ये मेंटेनेंस होता है आपको खाना पीना और बैठना उठना और कितना घंटा अपना शरीर के लिए नींद देना चाहिए उसी एरिया में संभालना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैं सिंगापुर में था तो मेरा एक अच्छा डॉक्टर दोस्त था, उन्हें कहा दिखे आपको शरीर के लिए
एवरी डे, रोज दिन आपको 6 घंटा नहीं चाहिए। 6 घंटा से कम कभी भी आपको ये शरीर में नहीं मानता। 6 घंटा तो जरूर आपको देना ही चाहिए। आपको यह शरीर है 6 घंटा का नींद चाहिए कम से कम। का तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं 6 घंटा नींद मेरा शरीर में इतनी कोशिश करता हूँ। इसे मैं अपना फैमिल में बोलता हूँ, 10:30 बजे लाइट ऑफ करो, बिस्तर में जाओ, सो जाओ। क्यों हम सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है? 4:30 बजे उठेगा तो मुझे 6 घंटे चाहिए ना मेरा शरीर के लिए। ये एक एक डिसिप्लिन करता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा पालन करता है मुझे। बहुत बड़ा लेट हो जाता है, कभी 11 बजे, कभी रात को 12 बजे भी चल जाता है। कभी मेरी चीज़ें लेट आ सकता है, कभी खुद का बिजी के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो रात में मैं 12 बजे के बाद में सोया ना, सुबह मैं दानप्रिया भी आता नहीं। दानप्रिया आना जरूरी है, लेकिन मेरा शरीर भी सामान भी जरूरी है। मैं प्रभु को सेवा 20 साल 25 साल 50 प्रभु को सेवा करना है तो मुझे अपना सारा ख्याल रखना है। ये हम एक चीज चाहते, क्यों प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है, प्रभु ने हमको फ्री विल दिया है, इसे खुद अपने को संभालना है। मैं 20-25 साल से मेरा खाना पीना में बहुत कंट्रोल करता हूँ। मेरा एक में बीपी है, एक में मेरा हार्ट प्रॉब्लम होता है, तो मुझे को खाना पीना में बहुत मुझे को कंट्रोल करना पड़ता है। बाहर जाता हूँ तो मैं इतना बोलना दिल नहीं होता, लेकिन मैं घर में होता है जो मेरा शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो खा के मेरा शरीर फूल जाएगा मैं ये खाता नहीं हूँ, ना मैं ये पीता। ये भी आपको अपने को ख्याल रखना है। और मैं हमेशा घर में बोलता हूँ, शाम को 7-8 बजे डिनर खा लो, 9 बजे हमारा फैमिली प्रेयर रख लो, 10 बजे लाइट ऑफ, 10:30 बजे सो जाओ। मैं ये हमेशा घूमने को बहुत बार हमारा जो टाइम टेबल है फेल हो जाता है, लेकिन कोशिश करता है। जो तो जिंदा है कोशिश करना चाहिए। हम परफेक्ट नहीं, कभी फेल हो जाता है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए। जैसे हमारा लाइफ में हम खुद का अनुशासन करना, सेल्फ डिसिप्लिन रखना ईसाई जीवन में बहुत जरूरी है। मैंने बोला बहुत एरिया में हम खुद अपना को सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट है खुद अपना हेल्थ, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमारे जीवन क्या हो जाता है, कभी बड़ा भूल जाता है, कभी क्या क्या बीमार हो जाते हैं, कभी कभी क्या क्या कुछ हो जाता है। बहुत बार हमारा खुद अपना केयरलेस के लिए हो जाता है, हम खुद अपने को संभालता नहीं है, ख्याल रखता नहीं है। कब सोएगा, कब उठेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या पिएगा, क्या पिएगा, हम मतलब होता नहीं है। ये गलत है। जैसे पिता माँ अपना बेटा बेटी का अच्छा के लिए इसको डिसिप्लिन देता है, अनुशासन देता है, जैसे प्रभु भी अपना बेटा बेटियों को अनुशासन देता है। वो जो अनुशासन जो हमको देता है, कोई भी उसी के बारे में खुशी से हंस के, ओ मेरा पिता ने प्रभु मुझे को डिसिप्लिन किया, या मार खाया, दंडा खाया, सिरी खाया, वो मुश्किल है, वो खुशी है, ऐसे होता है, पेनफुल होता है, दुख होता है। लेकिन ये आने वाला दिन जो इसको आंसर होता है, इसको उत्तर होता है, बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं हाँ, बाइबल में लिखा है, जो हम ना सिर्फ हमारे पिता माँ, ना सिर्फ प्रभु का अनुशासन डिसिप्लिन, हम ना सिर्फ ये नहीं, लेकिन हम खुद भी अपना को सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। हम क्यों अच्छा ड्रेस डालता है, हम क्यों हमारा फेस में मेकअप डालता है, सब भी हैंडसम होने के लिए, प्रीटी होने के लिए करता है। लेकिन ना सिर्फ ड्रेस है, ना सिर्फ मेकअप है, लेकिन खाना पीना में, बैठना उठना में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा हमारा फेस में, हमारा स्किन में, हमारा सुंदरता को ज़्यादा इसको इम्प्रूव करता है। इस लाइफ में हम ईसाई जीवा में हम जीना सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल देखता हूँ मेरा काफ़ी 5-10 लोग सरकार लेके वो ऊपर गया, क्यों गया?
खाना पीना में कंट्रोल नहीं है, कब सोएगा, कब उठेगा, कितना घंटा अपना भौतिक के लिए नींद देगा, इसको पता लगा ही नहीं है। इसलिए हमारा ईसाई जीवन, हम खुद अपना को सेल्फ डिसिप्लिन, खुद अपना को क्या अनुशासन रखना बहुत जरूरी है, और अपना फैमिली के लिए, बच्चों के लिए भी हम सिखाना बहुत जरूरी है। तो ये हम ऐसे करेगा तो आने वाला दिन में, फ्यूचर में, ये हमको अच्छा इंसान बनाएगा, सुंदर इंसान बनाएगा। और हमको यहाँ लिखा है righteousness और पीस भी लेके हमारा जीवन में लेके आएगा, यहाँ धर्म और शांति भी लेके खुद अपना जीवन में भी आएगा, हमारा फैमिली भी लेके आएगा, हमारे चर्च में भी लेके आएगा और हमारे देश में भी लेके आएगा। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28 यहाँ पर कुछ बच्चा में ऐसे लिखा है, लाइक ए सिटी हुज वॉल आर ब्रोकन ट्रू इज अ पर्सन हु लैक सेल्फ डिसिप्लिन। जिसकी आत्मा बॉस में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पना घिराव करके तोड़ दी गई हो। आमीन। हम खुद अपना जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन, खुद अपना खुद अपना को लाइफ में क्या होता है, अनुशासन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो ऐसे एक सहार का दीवार तोड़ गया, हाँ गिर गया, जैसे तोता हुआ जैसे है। बहुत बहुत हम ईश्वर की कहानी में जाओ तो दीवार होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सहार का दीवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों उसी जवानी में दोस्त में भूत होता है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करना, उसी के वजह के लिए सहार का दीवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको दीवार तोड़ गया, तोता हो गया, तो आपको सहार, आपको जीवन खतरा है, एनी टाइम दुश्मन आके आपको जान ले सकता है, आपको धन संपत्ति, आपको घर, आपको जमीन भी कब्जा हो सकता है। जैसे हमारा जीवन में भी हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, खुद का अनुशासन नहीं है, तो हमारा जीवन में एक ऐसे दीवार होता जैसे है, बोल के बाइबल में लिखा है। ये मेरा बचा नहीं है, ये प्रभु के बचा है, इसलिए हम खुद अपना को अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन रखना जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है तो हमारा जीवन का दीवार जो हमको सुरक्षा देता है ये गिर गया, ये तोड़ गया, तोता हुआ जैसे दीवार बन जाएगा, तो हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा परिवार खतरा में आ सकता है। और एक वर्ष को हम देखता हूँ, थर्ड जॉन चैप्टर 1 वर्स 2, थर्ड जॉन हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक की उन्नति कर रहा है वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। आमीन। Pray that you may be in good health and with your soul. यहाँ भी लिखा है अपना अच्छा हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमको दुआ करने के लिए बमे लिखा है। ना सिर्फ दुआ है लेकिन हमको जीवन में हम अपना गुड हेल्थ के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। खाना पीना में ब्रेड नहीं है, ये खाएगा तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ये खाएगा तो आपको शरीर में प्रॉब्लम लेके आएगा, उसी में ब्रेड खाए नहीं है, सब कुछ खा लेता है, यह हमारे शरीर के लिए आनी अच्छा नहीं है, सब कुछ खा लेता पी लेता है, तो हमारा शरीर तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारा शरीर अच्छा होने के लिए
हमको प्रे करने लिखा है। क्यों प्रे का साथ में जो हमारे के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हम उसी को भी एवॉइड करना बहुत जरूरी है, उसी से हम दूर भी रखना जरूरी है। प्रभु क्यों हमारा ये शरीर अच्छा होने इसको चाहता है, क्यों? क्यों बाइबल लिखा है हमारा ये जो शरीर है प्रभु का मंदिर है। कोरिन्थियों में लिखा है तुम मेरा मंदिर है। प्रभु ये मंदिर को गुड हेल्थ रखना चाहता है, ये मंदिर को सुंदर रखना चाहता है, ये मंदिर को पूरा संसार का पाप से दूर होना चाहता है। ये शरीर हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन अनुशासन रख के हम लंबा जीवन जी के प्रभु को मंदिर करना चाहता है बिना बीमार से। इसलिए हम खुद अपना को अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने बोला बहुत एरिया के बारे में हम सेल्फ डिसिप्लिन अनुशासन के बारे में पता चल कि मैं आज खास खुद अपना खेल रहने के लिए 10 मिनट में ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा जीवन से मैंने 3 पॉइंट दिया था, कब सुना है कितना गंदा अपना शरीर हम सुना चाहिए, एक दोग में दो में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाएगा तो हमारा शरीर में बीमार लेके आएगा, इसको हम नहीं खाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और टीम में हमारा क्रिश्चियन लाइफ में हम फैमिली प्रेयर लाइफ ये भी टाइम टेबल होना चाहिए। सब कुछ में टाइम टेबल होता है, टाइम टाइम में होता है तो ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कभी अच्छा खाएगा लेकिन 2 दिन नहीं खाएगा, कभी सुबह नहीं खाएगा शाम को 2 बजे में 3 बजे में लंच खाएगा, लंच ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं खाएगा, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। सुबह में जो खाता है 6 बजे में 7 बजे खाता है, लिमिट खाओ कम खाओ लेकिन ये ठीक लेवल खा दो। आज 2 किलो खा लिया कल कुछ नहीं खाया तो यह हमारे शरीर में प्रॉब्लम लेके आ जाएगा। लेकिन टाइमिंग होना बहुत जरूरी है, शरीर के लिए हमको टाइमिंग पालन करना बहुत जरूरी है, खाने के लिए भी सुनने के लिए भी टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। आप इतना ज़्यादा ना खाओ लेकिन जो आप टाइमिंग में खाता है ना ये आपका शरीर के लिए अच्छा होता है, ये हमारा शरीर के लिए अच्छा होता है। और ये जो बच्चान है हम सब के लिए है, और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ये आपके लिए भी है। प्रभु आप सबको आशीष दें, हम सब अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखें अनुशासन, और उसी से हमारा जीवा में हेल्थी हो और हमारा जीवा में पीस रैचियसनेस फ्यूचर में आने के लिए मेरा इंकरेजमेंट है। प्रभु सबको आशीष दें। जय मसीह।